नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों? क्या आप जानते हैं हमारा शरीर खुद एक डॉक्टर होता है। हर होने वाली बीमारी और शरीर में होने वाले परिवर्तन के बारे में ये खुद हमें बता देता है, लेकिन हम हैं जो शरीर में होने वाले इन संकेतों को पहचानते नहीं। अगर वक्त रहते इन संकेतों को हम समझ जाए तो बहुत सी बीमारियों का सही वक्त पर इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे चिकित्सा विज्ञान के बारे में जिसे जानते तो आप भी हैं लेकिन शायद सही से नहीं जानते। जी हाँ, ये बात है होम्योपैथी की। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, इसलिए आज हर प्रकार की दवाइयाँ बाजार में हैं और इनके बहुत से डॉक्टर भी हैं। लेकिन दवाइयों की दौड़ में उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। ऐसे में एलोपैथिक दवाइयाँ ही एकमात्र विकल्प होता है। लेकिन अब एलोपैथिक दवाइयों के साथ जहां सदियों पुराने योगासन और प्राणायाम के प्रति भी लोगों की रुचि बढ़ रही है, वहीं होम्योपैथी चिकित्सा ने भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इन दोनों ही विधाओं से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद, तनाव और चर्म रोग आदि बीमारियों में भी आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है कि जिससे जो चैलेंजिंग बीमारियां होती है, पुरानी बीमारियां, वे खास करके बहुत अच्छे रूप से ठीक होती है, और जड़ से बीमारी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी माहिर है। नमस्कार, दूरदर्शन देखने वाले मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरी शुभकामनाएं। हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जब लॉकडाउन में हैं, घर में अकेले या अपने परिवार के साथ भी होते हुए एक हमें डर सताता रहता है। ऐसे समय में कुछ लोगों को नशे का सहारा लेने की इच्छा होती है। कुछ और गलत खबरें भी छप रही थी कि अल्कोहल से कोरोना वायरस कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस कम नहीं होता, बल्कि अल्कोहल से हाथ धोने से कुछ हद तक अपने हाथ साफ हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छे हाथ साफ करने का तरीका है साबुन से हाथ धोना और अच्छी तरह से आगे पीछे उंगलियां, अंगूठा इत्यादि सारे अच्छी तरह से साफ करना। इसलिए मेरी भाइयों और बहनों से यही विनती है कि वे शराब का सेवन इस दौरान बिल्कुल ना करें, बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर जिंदगी से ही शराब को दूर कर दें और कभी भी शराब का सेवन ना करें, इसका प्रण कर लें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। एलोज मीन्स डिफरेंट, विपरीत, विरोधी, और पैथी मीन्स सफरिंग, दर्द, दुख, और होमियोज यानी सिमिलर, सम चिकित्सा। तो जैसी बीमारी होती है, जैसे वैक्सीन दिया जाता है, उसी टाइप से ये कांटे से कांटा निकाला जाता है होम्योपैथी में। एक एग्जांपल अगर देना है उदाहरण के रूप में, तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को दस्त है तो एलोपैथी में दस्त बंद होने की यानी कब्ज़ होने की दवाई दी जाएगी। होम्योपैथी में दस्त होने वाली दवाई दी जाएगी, जो भी पेट में खराबी होगी, वेस्ट होगा, जहर होगा, वो निकल जाएगा या डाइजेस्ट होगा, और ये निकलने की वजह से पूरी सफाई होकर दस्त हमेशा के लिए बंद होंगे। अगर हम इसको रोक देते हैं तो ज़िंदगी भर या पता नहीं बरसों तक बार बार होते रहते हैं। कितने पेशेंट ऐसे दस्त के हैं कि दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहते हैं, बरसों तक, सदियों तक चलते आया। बात चाहे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की हो या किसी और बीमारी की, जब कोई राह नहीं सूझती, हर तरह के इंजेक्शन, ऑपरेशन नाकाम साबित हो जाते हैं, तब लोगों को याद आती है होम्योपैथी की।
जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी सफ़ेद और मीठी गोलियाँ आप सबने ली होगी। आज बात होगी इन्हीं गोलियों की, जिसे हम सब होम्योपैथ के नाम से जानते हैं। होम्योपैथ क्या है, हमारे शरीर पर इसका क्या असर होता है, ये सब जानेंगे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि एक एलोपैथ डॉक्टर ने होम्योपैथ का आविष्कार किया। आइए देखते हैं उस महान पुरुष की एक झलक। सदियां गुजर जाती है, अरसा गुजर जाता है, तारीखें बदल जाती है, वक्त बदल जाता है, और जमाना अपनी रफ्तार से बहुत आगे निकल जाता है। ये सरपट दौड़ती कारें मीलों जाते रास्ते पीछे छूट जाते हैं, रह जाती है तो बस कुछ यादें। ये बात चिकित्सा विज्ञान के उस जन्मदाता की है जिन्होंने हमें होम्योपैथ का तरीका सिखाया था। ये हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन मूलतः एक एलोपैथ थे जो अपनी चिकित्सा प्रणाली से असंतुष्ट थे। पुराने शास्त्रों का अध्ययन करते समय उन्होंने चिकित्सा की एक नई परिभाषा ढूंढी। वो परिभाषा थी होम्योपैथी की, और फिर शुरू हुआ प्रयोग का कभी न रुकने वाला सिलसिला। आज डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का प्रयास चिकित्सा विज्ञान का एक चमत्कार है, जिसकी वजह से होम्योपैथी चिकित्सा सफलता के सोपान को छू रही है। बार बार प्रणाम है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को। हम ना बीमारी की दवाई देते हैं, ना लक्षणों की दवाई देते हैं। हम दवाई देते हैं उस व्यक्ति की, और उस व्यक्ति का जो मर्ज है, बीमारी है, अंदर का इम्बैलेंस है, वो अंदर तो नहीं जाग सकते। तो हम लक्षणों के जरिए, मैं ये कहूँगा कि बीमारी जो होती है लक्षण की भाषा में बोलती है। तो बीमारी को, अंदर की बीमारी को जानने के लिए हमको बाहरी लक्षण मदद करते हैं। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मेडिसिन का परीक्षण स्वस्थ मनुष्य पर किया जाता है, जिससे शारीरिक के साथ साथ मानसिक लक्षण भी मिलते हैं। सर्दी, जुकाम, मिजिल्स, चिकन पॉक्स आदि कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो बदलते मौसम में परेशानी का सबब बन जाती हैं। हमारे डाइट से, हमारे आहार से मन सीधे जुड़ा होता है। जैसे बंदर खाता है वैसे इंसान ने खाना चाहिए। मानव एक ही प्राणी ऐसा है कि जो पका के खाता है। हम सारे विटामिन छीन लेते हैं पकाने से, तो जितना हम सलाद खाएंगे भोजन के साथ, और दो भोजन के बीच में हम फ्रूट्स जितने ज़्यादा खाएंगे, तो हमारा शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त होंगे। हमारा शरीर प्रकृति की एक अद्भुत देन है। ये शरीर कई तरह की बीमारियों का सामना करता रहता है। हालांकि शरीर को रोग रहित करने के लिए अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी। तो बीमारी अगर अंदर ही अंदर खत्म नहीं हो पाती है तो वो बाहर निकलती है, जिसे हम कहते हैं कि ये बढ़ गया, यानी लोग कहते हैं। तो हालांकि ये बढ़ना नहीं, निकलना है बीमारी का। और होम्योपैथिक साइंस में, यूनिवर्सिटी के किताबों में ये बड़े अच्छे रूप से, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब बीमारी बढ़ती है, या हम निकलना भी कहते हैं इसको, जब बीमारी बढ़ती है तो यह समूल नष्ट होने का लक्षण है। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुप कुमार, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी एंड रिनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग हॉस्पिटल बोल रहा हूँ। मैं आज अपने किसान भाइयों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचने के दो तरीके होते हैं। पहला, जब
कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें, तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम एक मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता। नंबर दो, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इन सारी बातों का मतलब ये है कि मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ रहता है ना? होम्योपैथी में किसी भी रोग के उपचार के बाद भी यदि मरीज ठीक नहीं होता तो इसकी वजह रोग का मुख्य कारण सामने ना आना भी हो सकता है। इसके अलावा मरीज द्वारा रोग के बारे में सही जानकारी न देना भी उचित दवा के चयन में बाधा पैदा करता है, जिससे समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। होम्योपैथी ये होलिस्टिक साइंस है और ये एक नहीं, उस व्यक्ति की सभी बीमारियों का जो रिवर्सिबल ठीक होने के लिमिट में है, ऐसी सारी बीमारियों का इलाज जड़ से एक ही दवाई, एक ही डॉक्टर, एक ही इलाज कर सकता है। लेकिन जब ये बात आती है कि होम्योपैथिक दवाई से भी मरीज़ ठीक नहीं हुआ तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले तो होम्योपैथी में 2000 दवाइयाँ हैं, जितनी ज़्यादा दवाइयाँ उतना चयन करना मुश्किल। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड या जितना ज़्यादा टैलेंट होम्योपैथी डॉक्टर है तो हम उचित दवाई जल्दी चुन सकते हैं। मरीज़ को जितना लेट उचित दवाई मिलेगी उतना लेट फ़ायदा होगा। आइए चलें हाथ धोने की सही और वैज्ञानिक विधि सीखें। हाथ धोना रोगों से बचने की सबसे आसान और असरदार क्रिया है। साधारण तरीके से हाथ धोने पर हाथों के कई हिस्सों में कीटाणु रह जाते हैं जो बाद में बीमारी पैदा कर सकते हैं। अतः हमें क्रमबद्ध तरीके से हाथों के सभी हिस्सों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। हाथ धोने से पहले अंगूठी और घड़ी उतार दें और अपने नाखूनों को हमेशा छोटे रखें। अब दोनों हाथों को अच्छी तरह से पानी से गीला करें और एक हाथ की हथेली में अगर हो सके तो लिक्विड सोप और अगर लिक्विड सोप न हो तो साधारण साबुन की बट्टी से दोनों हाथों को अच्छी तरह से झाग बना लें। अब उंगलियों के पोरों के बीच की सफाई के लिए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से इस तरह से लें और आगे पीछे करते हुए अच्छी तरह साफ कर लें। हथेलियों की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को मिलाएं और अच्छे से रगड़कर साफ करें। हाथ के पिछले हिस्से की सफाई के लिए एक हाथ की हथेली को दूसरे हथेली के पिछले हिस्से पर रखकर अच्छी तरह साफ करें। उंगलियों के बीच की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उनकी उंगलियों को आपस में जोड़ें या इंटरलॉक करें और अच्छी तरह साफ करें। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच साबुन अच्छी तरह चला जाए। नाखूनों और उंगलियों के पिछले भाग की सफाई के लिए दोनों हाथों को इस तरह पकड़कर घुमाते हुए साफ करें। अंगूठे की सफाई के लिए एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली से इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ करें। अब हाथों की कलाई को साफ करने के लिए एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ में इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ कर लें। अब दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। नल को तेज खोल दें और दोनों हाथों के साबुन को अच्छी तरह बहते हुए तेज धार से साफ कर लें। नल बंद करने से पहले नल की टोटी के या ऊपरी सिरे को भी साफ कर लें। साबुन को सुखा कर रखने के लिए ऊंचे स्थान पर साबुनदानी का
प्रयोग कर लें। अब दोनों हाथों को पोंछने के लिए केवल साफ तौलिया या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। दस्ताने पहनने के पहले भी हाथ अवश्य साफ करें, क्योंकि ऑपरेशन या कोई प्रक्रिया करते समय दस्ताने फट सकते हैं और गंदे हाथों के कीटाणु संक्रमण फैला सकते हैं। ये तो बात थी होम्योपैथी की, अब चलते हैं उस ओर जहां आप रह सकते हैं निरोग। शरीर को स्वस्थ करना हो तो योग करो, मन को स्वस्थ रखना हो तो योग करो, और मस्ती के साथ जीवन जीना हो तो योग करो। बीमारी कोई भी हो, हर बीमारी को दूर करना हो तो योग करो। मन को शांत रखना हो तो योग करो, बुद्धि का विकास करना हो तो योग करो, पर्यावरण को शुद्ध करना हो तो योग करो, और घरों में जो कलह पैदा हो रही है, आपस में झगड़ते रहते हैं, उस झगड़े को दूर करना हो तो योग करो, और मुक्ति चाहिए अपने स्वरूप से जुड़ जाना हो तो योग करो। जीवन में जो चाहिए सब योग देगा, बस जरूरत है योग की शरण में आ जाओ और रोज योग करते चले जाओ, फिर जब जीवन में योग घट जाएगा आपका जीवन सुंदरतम हो जाएगा। आज हम वही कुछ अभ्यास सीख रहे हैं जो पूरे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी है। वो अभ्यास जो अधिकतर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, चाहे वो गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, तनाव हो, ये जो मुख्य बीमारियां हैं, मोटापा है, डायबिटीज है, कुछ अभ्यासों के माध्यम से इनको हम ठीक कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं योग का अभ्यास। इसमें हम कर रहे हैं, नाम है मंडूक आसन। मुट्ठी को ऐसे बंद कर लो, अंगूठा अंदर रखकर इस प्रकार से, मुट्ठी ऊपर से बंद कर ली। अब मुट्ठी को ऐसे पलट कर पेट पे लगा लो, इस तरह से मुट्ठी बंद की और ऐसे पलट के लगाया, ये निचले हिस्सा चला जाएगा। अब क्या करना है, सांस भरना है, सांस निकालना है, और निकाल के पेट को खींचेंगे अंदर की तरफ। ये जो कोहनियां है ना साइड में, इनको भी ऐसे दबा के रखो साइड से, जिससे साइड पे भी प्रेशर आए। नहीं तो अक्सर अधिकतर लोग ना ऐसे ही करते हैं, दबा के करना है। सांस निकालो और आगे झुक जाओ। फिर वापस आ जाओ। जब नीचे झुको तो सांस लेते रहो, निकालते रहो, पेट लगातार दबा रहेगा। ये मंडूक आसन रोज करो। जिनको घर में किसी को मान लो कि माता पिता को डायबिटीज है, तो बच्चों को आ सकती है। ऐसे में ये आसन करते रहोगे तो डायबिटीज नहीं आएगी, और यदि डायबिटीज हो भी गई है, शुगर की बीमारी हो भी गई है, तो रोज करने से पेनक्रियास जो है वो सक्रिय हो जाएगा और शुगर लेवल आपका धीरे धीरे कम आने लगेगा और फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। मन शांत होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को बहुत गुस्सा आता रहता है, छोटी छोटी बातों पर एकदम भिदक जाते हैं, सहन ही नहीं होता कुछ भी, या ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, या फिर नींद रात को अच्छी नहीं आती, या चिड़चिड़ापन सा रहता है, या टेंशन रहती है, या थोड़े डिप्रेस से रहते हैं, थोड़े थके थके से रहते हैं, वो ऊर्जा नहीं होती जो होनी चाहिए थी। इन सब बीमारियों में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी बहुत मदद करेगा। आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ गए हो, सीधे हाथ की ऐसे प्राणायाम मुद्रा बना लो, नाक पर ले जाओ, अंगूठा राइट नोस्ट्रिल को कंट्रोल करेगा, दो उंगलियां लेफ्ट को, ये दो बाकी जो बीच की उंगलियां हैं ये माथे पर रहेंगी। तो ये पोजीशन हो गई ऐसे। अब क्या करना है, अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लो, लेफ्ट से श्वास को निकाल दो बाहर, फिर लेफ्ट से भर लो सांस अंदर, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल दो सांस, फिर राइट से भरो और लेफ्ट से निकाल दो, फिर लेफ्ट से भर लो और राइट से निकाल दो, फिर राइट से भर लो
और लेफ्ट से निकाल दो। बस ध्यान रखना सांस की आवाज नहीं करनी है। धीरे धीरे सांस भरना, धीरे धीरे निकालना, रोकना भी नहीं है, बस बढ़ते रहना है, निकालते रहना है। जितना धीरे करोगे उतना अच्छा है, जितना ज्यादा भरोगे उतना अच्छा है। तो उल्टे से शुरू करते हैं। मन के लिए है, मन की शांति मिलती है इस अभ्यास से। सबको करना चाहिए, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबके लिए है। क्योंकि मन तो सबके पास है और सबका मन ही बिखरा हुआ है, ये उसी बिखरे हुए मन को फिर से ठीक कर देगा। फिर आखिर में क्या करेंगे, बाएं से सांस को निकाल दो, हाथ को नीचे लाकर आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठे रहते हैं। इसके बाद चूंकि आजकल गर्मियां हैं तो बहुत ही उपयोगी अभ्यास एक प्राणायाम है, इसका नाम है शीतली प्राणायाम। जीभ को होठों से बाहर निकालते हैं और उसको गोल घुमा लेते हैं, फिर मुंह से श्वास, जीभ से श्वास खींचते हैं और फिर नाक से श्वास निकाल देते हैं। बार बार जीभ से श्वास खींचते हैं, नाक से निकाल देते हैं। इससे शरीर में ठंडकपन आती है, शीतलता आती है। जिनको एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की शिकायत है, गर्मी है शरीर में, बहुत फायदेमंद है। कम से कम 10 से 12 बार इस क्रिया को बार बार करते रहो। भूख और प्यास को भी नियंत्रित कर देती। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी, जिस तरह कड़वी चीजों में मिठास नहीं मिलती, ठीक उसी तरह गलत जीवन शैली से आप स्वस्थ नहीं रह सकते। समझ गए ना? अब मिलूंगी अगले सप्ताह और पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार।